अज आप कथा उन्हां गुरमुखां दी करांगे जिन्हां ने भाई संतां दी सेवा कीती ते कीती जदों तो सुरत संभली उदों तो लैके संत महापुरशां नाल लगन लग गई। जिथे कोई संत मंडली साधु आउंदे आ उस समय मंडलियां संतां दीआं विचरदीआं सी, निहंग सिंह भी विचरदे सी, सन्यासी उदासी सारे विचरदे सी, लोक भाव भावना वाले सी, तर्कां वाले नहीं सी, पुठा सीधा बोलण वाले नहीं सी, सारे सब लोग भावना वाले सी। पिंड वाले जिन्ना जिन्ना होवे सेवा करदे सी, निहंग सिंघां दी भी करदे सी। कहिंदे ने आए ने निहंग ते खोलदे बूए कहिंदे हो के निसंग, खोल दे कहिंदे जिन्नी सेवा कर लोगे दरगाह च मिलनी है। ये गुरमुख प्यारा संतां दी सेवा करदा है, लगन लगी हुई बड़ा चाह है। चलो गुरु मेहर कीती, घर बार परिवार बनिया, फिर भी बड़ी लगन है। जिन्ना को अपनी मेहनत मजूरी करके लियाउंदा है, दोनों जी रोटी खा लैंदे आ ते बाकी सारा कुछ महापुरखां वास्ते रखदे आ। जिन्नी मजूरी करदे आ सारी दे सारी संतां साधुआं दी सेवा विच लाउंदे आ। इवें करदिआं करदिआं बड़ा समां लंघ गिआ सेवा करदिआं नूं, ते मन विच ठोकर वज्जी, ख्याल आया कि सेवा दा फल की हैगा, कि इन्नी मुड़ तो लैके सेवा लई, नाम जपिया। मनुख पुछदा कि मैनू संतां दी सेवा दा फल की है, नाम जपन दा फल की है, जां मैनू गुरु घर आउण दा फल की है, नशे शराबा मास कबाब छड्डिया इहदा फल की है। भाई जे सही पुछे तां इहो ही फल है। नशे खाने दा फल नहीं गा, मास शराब पीना दा फल नहीं गा, दुनिया दे काम करने दा फल नहीं, गुरु दे काम करने, चंगे बन जाना, गुरमुख बन जाना, गुरु दे नाल समा लंघना, बाणी विच लंघना, फल तां इही है। फल तां इहो ही है भाई, यही सब तो वड्डा फल है कि तेरी जिंदगी जिहड़ी सी ओह बहुत ही सोहणी बन गई है, बड़ी शोभा वाली बन गई है, दुनिया तेरा सत्कार करदी है, माण सन्मान मिलदे आ। पर ख्याल होंदा मनुख दा कि माया मिले, पदार्थ मिलन, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, घर होवे, परिवार होवे, बच्चे होण, धन होवे, कोठियां कारां महल होण, पर गुरु अपने भगतां नूं सब कुछ देंदा है। पर एक गल दा ख्याल रखना, देंदा उदों ही जदों पहलों भगती मिल जावे, पहलों नहीं देंदा कि भुल जाएगा, ये दुनिया च रुड़ जाएगा। कई लोगों के कोल बड़ा सुख होंदा है, बड़े पदार्थ होंदे आ, वो गुरु दे लड़ लगदे आ, उन्हां दे सारे पदार्थ चले जांदे आ, सारे सुख खत्म हो जांदे आ। वो कहिंदे गुरु दे लड़ लग के तां साडा नुकसान होया है। नुकसान नहीं, तुसीं भगती रंभ लो, नाम जपना रंभ लो, सिमरन कर लो। हुण तुहानूं गुरु नाम देना चाहुंदा है, भगती देनी चाहुंदा है, सेवा देनी चाहुंदा है, फिर उही चीज़ां उस तो वधा के उस ते चौगण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल देवेगा। इहदे मन विच आया कि संतां दी सेवा दा फल की है। अज महापुरश आए ने, रब वर्गा चेहरा है, नाल उहनां दे सेवक ने। इन्हें बेनती की महाराज सेवा, कहिंदे भी सेवा भाई प्रसाद भी छकांगे, रात भी कट्टांगे, सेवा दी तां तू कर सकदा है। उन्हें अपनी घरवाली नूं कहा भी अज महापुरश आए ने, उन्हां दी सेवा करनी। जो कुछ घर विच है सी वो तां सब लटाता सी साधु संतां नूं, ते अज जदों घर खाली होया, घर विच रोटी भी खाण नूं नहीं, ते अज महापुरश आ गए रब वर्गे। पर अगे संत जिहड़े आउंदे सी सेवा लैण वास्ते आउंदे सी, आ जिहड़े संत आए ने ये देण वास्ते आए। महापुरशां ने कहा भी छकांगे प्रसाद पाणी,
पर इंदी अगे हाल यह आ कि इंदे कोई घर च है नहीं। अपनी घरवाली नूं कहन लगा देख पागां वालीए कोई चीज़ घर चो मिल जे, कोई भी घर चो चीज़ मिल जे, सारा झाड़ चढ़ाइया कर, सारे ट्रंक सब फोड़। उन्हें सब कुछ फोलिया तो उन्हें आपका छोटा जिहा एक गहना मिल गया, हाथ विच पाउण वाली मुंदरी मिल गई। उन्हूं कहन लगी पति जी यही है, बड़ा खुश होया जाके वह मुंदरी लेखे ला के तो महापुरशां वास्ते बस्तर प्रसाद पानी। हुण महापुरख एक दो दिन ठहरे, सेवा की, रज के कहिंदा जी पर मैं एक पुछना है। संत कहिंदे दस। कहिंदा जी संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है? महापुरश कहिंदे भी असीं तां नहीं दसांगे, इह इत्थों तैनूं चार रातां लगणगियां ते शिव दे पासे नूं चला जा, शिव दे पासे नूं तुरिया जावीं, जिथे तैनूं रात पै जे रात कट लैणी है ते लग तुरे जाणा। जे कोई तैनूं सवाल जवाब कोई राज करे वो भी नाल पल्ले बन लैणा है। हमेशा जदों भी करो काम पहलो दूसरे दा करो फिर अपना करो, पहलो अपने लोभ लालच ना पूरे करो, पहलो दूसरे दे स्वार्थ पूरे करो। जे कोई तैनू राज सवाल करे ते पल्ले बन लई, महापुरशां कोल जाना है ते चार दिन तैनू रस्ते च लगणगे। एक दरिया आएगा, दरिया तो पार फिर महापुरख बैठे होणगे, वो तैनू दसणगे संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है। हुण निरंकार दा रूप ने महापुरश, अज जिहड़े संत घर विच आए ने प्रशादा छकण वास्ते, ये संत नहीं ये निरंकार है। जिहड़े नाल सेवादार ने ये तां ब्रह्मा विष्णु शिवजी परमेश्वर दीआं सरकारां ही नाल आईआं है कि सारे संसार नूं चलाउण वालीआं, कि जो भगत नूं चाहीदा है अज भगत दे भंडारे भर देणे आ। भंडारे खाली कराउण नहीं आए, मन तां आया कि घर दा गहना भी नहीं रहा, घर विच कोई चीज़ भी नहीं रही, सब कुछ सेवा च ला के आ। फल की है? संतां ने कहा जा भाई पुछ लां। महापुरश सेवा जल पानी प्रसाद छक के संत चले गए। ये हुण तैयारी करके तुर पिया, जांदा जांदा रातां पईआं, शामां टलीआं। एक राजे दा राज आया जिन्हें एक सरां बनाई हुई है, आए गए राही पांधी नूं संभालदा है ते सेवा करदा है। हर एक राही पांधी दी लोड़ दुख सुख विच उंदे पूरे सहाई हुंदा है, आप निगरानी करदा राजा। निगरान ये कोई करदा इस करके आ कि उस राजे दे घर पुत्तर नहीं, उन्हूं पुत्तर दी भुख है कि मैनू परमेश्वर कृपा करे, मैं रब दे पुत्रां दे रब दे जीवां दी सेवा करांगा ते मैनू भी गुरु कृपा करेगा, परमेश्वर मैनू भी एक जी दे देवेगा। ये विचार के वो सेवा राजा करदा है। अज ये संतां दा बख्शिया होया गुरमुख प्यारा, कहिंदे ने पारस और संतन में बड़ो अंतरो जान, ओ लोक कंचन करे ओ करे आप समान। आपा जो दिता खा रहे हैं महापुरखां दा है, संतां दा है, ये दाता संतां दीआं साधु दीआं जिहड़ियां आपां खा रहे हैं। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा, सारे पड़दे पापां दे गुरु ढकदा है महापुरखां दे सदका। राजे दे कोल जदों रिहा रात कट्टी, राजे ने पुछया भाई तू कित्थों आउण वाला है, किधर जाण वाला है? उन्हें कहा जी मैं महापुरशां दे कोलों आया ते संतां दे कोल ही जाना, किस वास्ते चलिया है? कहिंदा मेरे मैनू सारी उम्र संतां दी सेवा करदिया लंघीए पर मैनू मिलिया कोई नहीं, अज मैं संतां नू पुछण चलिया कि सेवा दा फल की हुंदा है। राजा कहन लगा देख भाई तू चलिया तां हैगा है, एक मेरे ते भी परपकार कर दे। मैं भी बहुत देर दा सेवा कर रहा, राहियां पांदियां साधु संत कोई आवे
पर मैं पुत्र तो सीखना, इस करके मेरे घर पुत्र नहीं। तो जे मेरी बेनती करें कि कारण की है, किहड़े मेरे पाप ने, मैं बहुत पश्चाताप कर रहा कि परमात्मा मेरे गुणा बख्श दे, पुत्र दी दा दे। संतां नूं पुछी मेरे घर पुत्र नहीं हो रहा, इंदा कारण की है। चलो उत्थों विदा होया, अगे चला गया एक शाहूकार है जेड़ा भी बहुत दुखी है। दुखी इस करके है कि उनका कोई कारोबार काम कार हर एक चढ़ चढ़ाउंदी है। अज ये पुरश भला पुरश शाहूकार दे कोल गया है कि रात कटनी, उन्हें कहा भी तू कित्थे जाना है? कहिंदा मैं संतां कोल जाना है, तो संतां दे कोल ही आया, सेवादार मैं महापुरखां दा, सारी उमरा लंघ गई है पर मिलिया कोई नहीं। तो मैं सवाल किया, संतां ने कहा भी जा भाई तैनूं जवाब मिलेगा। संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है? शाहूकार कहिंदा फिर मेरे ते भी परपकार कर, मैं बहुत परेशान हाँ, हर एक कारोबार दे विच वीण पैंदी आ, रुकावटां पैंदियां, नुकसान हुंदे आ। संतां नूं पुछी भी इह इस दा कारण की है कि ये मेरे बड़े नुकसान हो रहे ने, बड़े विघन पै रहे ने। कहिंदा ठीक भाई, मैं तेरा भी जरूर पुछांगा। अगे जांदा जांदा रात पई है, कोई होर आस पास नहीं कोई ऐसा थां मिलिया। एक बहुत वड्डा दरख्त है, पुराना पिपल जां बोड़ दा दरख्त है, उहदे थले ही रात कट्टण वास्ते आपदा बसेरा कीता है। राई पांदी उत्थे ठहरदे आ, लंघदे आ, पानी पींदे आ, खूह लगा होया ये भी उत्थे रात बसेरा करन वास्ते रुक गया। जदों रात होई अद्धी कु, एक देव दी रूह आ गई, दियो दी रूह आ गई। जदों आ गई उन्हें पुछया भी तू कौन है? ये पुछदा भी तू कौन है? कहिंदा मैं दियो दी रूह हाँ, बहुत देर तो मैं भटक रहा, तो मैं इत्थे ही रहना, तो तू कौन है? कहिंदा मैं महापुरशां दे कोलों आया, संतां दा सेवादार हाँ, पुछण वास्ते चलिया। अगे संतां नूं एक दिन दा सफर रह गया कि संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है। कहन लगा फिर मेरे बारे भी पुछ कि मैं बहुत भटक रहा, पर मैं अपनी कल्याण चाहना, गति चाहना, कोई साधु संत महापुरश मेरी गति करे तो होवेगी किवें? तू मेरे बारे भी पुछी भी मैं इत्थे बहुत दुख पा रहा, भटक रहा, तो मेरी गति किवें होएगी? उन्हें कहा ठीक, मैं पुछांगा। हुण अगे चला गया, हुण दरिया पार करना है, उत्थे एक घोड़ा मिलिया। इसने घोड़े नूं कहा भी मैनूं दरिया पार कर दे। इस तरह लोग कहिंदे आ कि उस समय जिहड़े पशु पंछी भी भाषा समझ लैंदे सी। घोड़े ने कहा भी मैं तैनूं दरिया तां पार कर देंगा, पर चलिया कित्थे आ? भी संतां कोल पुछण चलिया, सेवा दा फल की हुंदा है? कहिंदा फिर मेरे बारे पुछी कि मैं घोड़ा, मेरा कोई भी मालक नहीं हैगा, मेरा कोई खसम नहीं, कि कोई मेरा खसम होवे मैनू संभाले तो मैं पूरा खुश रवां, खसम वाला बन के रवां। मैं खसमा ही धक्के खांदा फिरदा जंगलों च। तो पुछी कि इसका कारण की है, मैनू खसम क्यों नहीं मिलिया? इस तरह करदा घोड़े ने दरियाओं पार किया है। कहिंदा जा तू संतां नूं पुछिया, वापस भी मैं तैनूं दरियाओ पार करके ही जावांगा। कहिंदे जदों संतां दे कोल गया है, जाके मत्था टेकिया है ते नमस्कार कीती, हुण बचन याद आया कि भाई पहलो दूजे दे दुख पीड़ नूं जाणो, पहलो दूजे दी लोड़ वल वेखो, अपनियां लोड़ां नूं ना खिच खिच के पवो। ते पहलो मैं उहनां वास्ते पुछां जिहड़े मैनूं राह 'च सवाल मिले ने। ये चार सवाल सी, एक घोड़े दा, एक देव दा, तीसरा शाहूकार दा, चौथा राजे दा।
हुण इहने पहला सवाल कीता है कि एक घोड़े ने मैनू दरिया पार कीता है ते इत्थे मैं तुहाडे कोल पहुंचिया। उहने ये पुछिया है कि मेरा कोई खसम नहीं, मैं क्यों धक्के खांदा फिरदा, मैं किस वास्ते भटक रहा। कहन लगे भी वो जड़ा घोड़ा है ना, वो पिछले जन्म भी घोड़ा सी, पर वो भले पुरश का घोड़ा सी, ये सी अड़ब। इंदी जेरी सी कि जिधर उसने कहना है संत ने इन्हें उधर नहीं मुड़ना, दूजे पासे मुड़ना, बौड़ अड़ियां करता सी। साधु संत दरवेश पुरसी, पर वो हुण इंदियां अड़ियां तो तंग हो गए, उन्दे मुखों बचन निकल गया कि जाओ इन खसमिया, इन्नी तेरी सेवा करी दी, संभाल करी दी, तू अपनी अड़ी नहीं छड़दा, ते तेनू अगले जन्म खसम नहीं मिलेगा, तू खसम दी कदर नहीं कीती। जेड़े भाई इत्थों समत लै लो, जेड़े अपने खसम दी कदर नहीं करदे ओह खसमां नूं तरसदे आ, जेड़े अपनी घरवाली परिवार दी बेकदरी करदे हर समय, उहनां नूं जिंदगी चो पत्नी नसीब नहीं होण लगी, इह सराप हो जांदा है। इस करके अपने परिवार का, बच्चों का, माँ बाप का, माँ बाप नूं दुनिया तरसदी है, बच्चों नूं तरसदी है, कोई पति नूं तरसदा है, कोई पत्नी नूं तरसदा है, कईआं नूं अध विचाले छड के चले जांदे आ, कोई पाप ही अगे आउंदे आ, ते इह कुछ तां हुंदा है। कहन लगे जी उहदा फिर हल की है? कहन लगे उहदा हल इह आ कि उहदा कोई संती खसम बन सकदा है, होर कोई उहदा खसम नहीं बन सकदा, उह संतां दा सरापिया है, ते संतां दे सरापे नूं साधू महापुरख ही बख्श सकदे आ। उहने कहा जी फिर दूसरा सवाल है, एक देव दी राह रूह मैनू मिली सी राह च, उहने कहा सी भी मेरे बारे पुछना कि मैं बहुत चिरां तो उमरां तो बड़ा भटक रहा, गति नूं तरसदा, मेरी कोई कल्याण करे, कोई ऐसा महापुरश ऐसा आवे जिहड़ा मेरी कल्याण करे, ते मैं बहुत भटक रहा। संत कहन लगे भी वो भटक रहा ठीक, कहिंदे वो करदा तां चलीसे सी, करदा तां चलीए कढ़दा सी, कोई शक्तियां प्राप्त करनियां चाहुंदा सी, पर उहने गुरु नहीं धारण कीता सी, निगुरा सी, इस करके वो भटक रहा है। जिहड़े निगुरे इहो जिहे काम करदे आ उहनां दे वो कामयाब नहीं हुंदे, जिवें नीम हकीम खतरे जान, जिहड़ा हकीम नहीं वो तां फिर खतरे 'च जान पा देगा, जिहड़ा डाक्टर नहीं पूरा वो तां ठीक करन दी बजाए पता नहीं की गलत दवाई दे के किते मार ही ना देवे। कहिंदे उहनूं उहो ही सब कुछ पुट्ठा पिया है ते वो भटक रहा है। कहिंदे जी उहदी फिर हुण कल्याण किवें होएगी? कहिंदे कल्याण वह गुरु धारण करे, गुरमंत्र जपे, गुरमंत्र लवे, जदों गुरमंत्र लवेगा, गुरु धारण करेगा, उस समय फिर उनकी गति हो जाएगी। कहिंदे जी तीसरा एक शाहूकार ने मैनू पुछया सी राज कि मेरे कारोबार नहीं चलते, हर काम कार च विघन पैंदा है, ते मेरे बारे संतां नूं पुछी, कहन लगे भी वह जिहड़ा शाहूकार है वह बता बहुत ही कंजूस है, छूमे तन राखण को दिया, मुगध कहे तन मेरा। कहिंदे वह बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करदा, धी उहदी जवान सिर चढ़ के बैठी है, ते वह सोच रहा जे मैं धी नूं व्याहिया ते मेरा तां धन बहुत चला जाएगा। इस गल तो डरदा वो शाहूकार जिहड़ा है ना, अपनी धी की शादी ते संयोग नहीं कर रहा कि धी नूं व्याहवांगा, मेरा तो सारा घर का कमाया धन दूजे घर चला जाएगा। कहिंदे वो जदों काम कार चलाउंदा है, कोई कारोबार शुरू करदा है, उहदी धी होका लैंदी है कि मेरी ये वेख नहीं रही युवा अवस्था, मेरी युवा अवस्था जा रही है, इहनूं पैसे कमाउण दी पई होई है। उहदी हा दे नाल सारे कारोबार जिहड़े बंद हो जांदे आ, नुकसान दिंदे आ,
क्योंकि उस समय धियां बहुत ही संकोच विच बहुत नमाणियां हो के चुप चाप मूँह नहीं खोलदियां सी, इन्ना माँ बाप का भय हुंदा सी। इस कहिंदे उह आपदी धी नूं विआह देवे ते उहदे सारे ही कारोबार खुल जाणगे, माया भी आएगी, कारोबार च विघन नहीं पैणगे, सारे कारोबार चलणगे, उह अपनी धी की शादी कर देवे। हुण तीस चौथा उहने कहा जी, एक राजा सी उह बेनती करदा सी, बड़ी सेवा करदा है राइयां पांदियां दी, कोई भी आवे पर उह पुत्तर तो सखणा है। वो राजा बेनती करता सी भी मेरे घर पुत्र नहीं, की कारण की पाप है जिस करके मेरे घर पुत्र नहीं होया, तो मेरे घर पुत्र हो जावे, मेरे घर पुत्र हो जावे। तो इसका कारण की है, महापुरखा नूं पुछी। उन्हें जदों तुरिया सी उन्हें कहा सी जे मेरे घर पुत्र हो जावे, जे कोई मैनू पुत्र दे देवे ते मैं आपदा अद्धा राज उसनू दे देंगा, अद्धा राज जे कोई मैनू पुत्र दी दा देवे। ये हुण गया जाके संतां नूं पुछया भी, राजा पुछदा है भी मेरे घर पुत्र नहीं, कारण की ये कदों होएगा। संत कहन लगे जदों तू जाएगा ना ते उस समय तेरे दर्शनां दे नाल दर्शनां दा फल होएगा कि जिहड़ा तू आउंदा ते जांदा उहदे कोल रुकेगा, महापुरशां दा सेवक है, उहदे घर बेट जो बच्चा होएगा ना जां होण वाला है, उस समय राजे नूं कह दी जा के उह पुछेगा तैनूं की जवाब दिता संतां ने, ते तू कहना भी राजा तेरे घर बच्चे ने जन्म लै लिया है ते पुत्र ने जन्म लिया है, ये जाके कह देवी कि तेरे घर पुत्र ने जन्म लै लिया है। चौथा ये सी हुण संतां तों विदा हो के मत्था टेक के आग्या लैके वापस चलिया है, उसे ही घोड़े दे उत्ते बैठा है, उसे ही घोड़े ते बैठ के जा रहा है, उसे घोड़े दे कोल आया है। आके कहन लगा भाई संतां ने कहा भी तू है सरापिया होया, तो सरापिया भी तू महापुरखां दा है, पिछले जन्म तू बड़ा अड़ब सी, अड़ियल सी, अड़ियल घोड़ा सी, संत जिन्हां ने तैनू पालिया संभालिया सी तू उन्हां दी मनदा नहीं सी, उन्होंने शराब देता सी जा तेनू खसम नहीं मिलेगा, धक्के खाएगा, तू कदर नहीं करदा, इस करके वह सरापिया होया है। तो हुण कोई संती उनका मालक बन सकता है। उन्हें जदों आण के वचन सुनाया संतां दा, घोड़ा कहन लगा फिर तेरे तो वड्डा कौन हो सकता है, तेरे तो वड्डा साधु कौन हो सकता है, इस करके तू ही मेरे ते काठी पा ते मैनू लै चल, मैं हुण सेवा भाव नाल करांगा। हुण घोड़े ते काठी पाई ते बैठा ते तुर पिया, अगे गए ने दे कोल, वो दे फिर उत्थे रात पई ते रुके, फिर दे आ गया, कहन लगा भी पुछया मेरे बारे, कहन लगे हाँ संतां नूं पुछया सी कि उसकी कल्याण नहीं हो रही, गति नहीं हो रही, ते किस तरह होएगी, कहन लगे वो भटकया होया, मंत्रां दा ही मारिया होया है, इस करके उहदी गति होनी बड़ी औखी है, उन्हें कोई गुरु पीर नहीं धारिया, निगुरा ही टक्करा मारदा रहा है। तो हुण कहिंदे हुण गुरु धारण कर लवे, गुरु मंत्र लै लवे तो उहदी गति हो जाएगी। उन्हें कहा फिर तुहाडे तो वड्डे गुरु कौन है, तुसीं महापुरशां दे सेवक, महापुरखां दा रूप, तुहाडे तो वड्डा कोई गुरु नहीं हो सकता, तो मैनू कृपा करो, मंत्र दिओ, गुरु दशना होंदी जदों गुरु धारण करना होवे, तां उस समय देव ने उत्थे बड़ा धन दबिया होया सी, सोने चांदी दीआं मोहरां सी ओह लिया के गुरु दे अगे रखियां,
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਏਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਆ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਜਪਿਆ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਰੂਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਧਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੋਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵੱਲ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਘਰ ਜੰਮੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋੜ ਲਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋਬਣ ਤਨ ਜੀਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਬਾਰੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਆਲ ਦਮੋਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਖ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹੰਕਾਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि दस भाई संतां ने कहा संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है, संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है। वो कहिंदा जे तैनूं फल पता ही नहीं लग्गिया, अध राज दा तू मालक बन गया है, सुंदर नारी तैनूं मिल गई है, घोड़ा चढ़न वास्ते मिल गया है, धन वाधू तेरे कोल, ते राज दा तू मालक बन गया, जे तैनूं पता ही नहीं भी संतां दी सेवा दा फल की हुंदा है। ये हुण साखी नूं समझण दी लोड़ है, इन्हां विच किंतू परंतु नूं थां नहीं हुंदा, इह समझाउण वालियां गल्लां हुंदियां। उस अद्धे राज दा मालक बन के बैठा है, एक घर वाली नूं व्याह के लियाया, एक नूं छड़ के गया सी। अज राणियां ने घर दे विच राज पा गए, हाथी खोड़े द्वारे ते खड़े आ, धन दौलत की कमी नहीं, ते अज राज भाग दा मालक बन गया है। संत दसदे नहीं होंदे, दुलासे नहीं देंदे होंदे, संत तक करके विखा देंदे आ कि सेवा दा फल की है। महापुरश तां दे के दसदे आ, ये नहीं कि गली बाती दे करनगे, महापुरश तां करके दसदे आ सेवा दा फल की हुंदा है। इस करके भाई चातियां मार लो अपने वल, कि गुरु नानक ने दर्श दिखाया सी, मेहर भरी निगाह मेरे वल की, मैनू कोई तो कोई बनाया सी, ये सारा ही तक लो सानू जो दाता ने, ये महापुरशां दे सदका ही मिली है, सेवा दा फल ही मिलिया है। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, इस करके भले कर्म करने, सेवा सिमरन करना, कोई बुरियाई ना करनी, किसी नूं दुख ना देना, हर एक दी लोड़ नूं समझना, ये साखी दे विचों सारियां सिक्ख्या लै लैनियां। समत मिलदी है कि वह घोड़ा अड़ियल घोड़ा सी, अड़ी करदा सी ते भटकिया है, फिर वह बिना गुरु तो मंत्र जापदा सी ते जूना च देव दी प्रेत दी जून च भटकदा रहा है, शाहूकार धी दा कार्ज नहीं कर रहा सी जो करन वाले जरूरी कार्ज, किसी की हार नहीं लैनी चाहिए, कम्मां कारां विच नुकसान होंदे आ, ये सारा कोई समत लै लैनी है। संतां महापुरशां की सेवा का फल हुंदा है, भले पुरश बन के रहो, तो गुरु सतगुरु कृपा कर दिया। हुण समाप्ति है, वो चुगदी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।